हालेलुया। सब लोग एक बार हाथ उठा के स्वागत करिए कि परमेश्वर या उपस्थिति में उपस्थित है, परमेश्वर उपस्थित है, उसने आपको जीवन दिया है। आमीन। हालेलुया। अभी ये बहने भी बैठ जाए, अब सभी लोग बैठ जाइए। अब हम गवाही की तरफ चलते हैं, जो गवाही की तरफ। आपका नाम क्या है? सुनील यादव। सुनील यादव। इस भाई का नाम सुनील यादव है। घर कहाँ पड़ता है? भैंसकोर। भैंसकोर ठेकवा बाजार। ठेकवा बाजार के पास भैंसकोर। एक और माइक दी। ठेकवा बाजार के बाद भैंसकोर। और आपको, आप पे यहाँ किस लिए आए और कब से आ रहे हैं? मैं आज पहली बार आया। आज पहली बार आया भाई। और आप किस लिए यहाँ पे आए, क्या हुआ? मैं बाइक से गिर गया था, पैर में चोट लग गई थी, बाइक से गिर गया। ये भाई बाइक से गिर गए थे। ये भाई बाइक से गिर गए थे। और इन्हें चोट लगी, कहाँ पे चोट लगी? ये घुटने पे लगी थी। तो मैं लालगंज डॉक्टर को दिखाया, तो दो हफ्ता दवा किया, तो फिर मुझे MRI लिख दिए आजमगढ़। आजमगढ़ से करा के आया, तो डॉक्टर ने बोला कि ठेवने की मांस जो होती है, मांसपेशी फट गया है, और इसके लिए डॉक्टर ने कहा मांसपेशी बढ़ गया, फट गया, टूट गया। हाँ, मांसपेशी टूट गई अंदर का। मांसपेशी टूट गई, डॉक्टर ने कहा मांसपेशी टूट गई आपकी। हाँ, तो उसने बोला आप जाओ बनारस। तो बनारस में डॉक्टर को नंबर दिया प्राइवेट का, उसको हमने तुरंत बताया, बोला कितना खर्चा आएगा, बोले 80-85 हज़ार आएगा। 80-85 हज़ार। कौन सा अस्पताल था बनारस का? ये चक्रपान हॉस्पिटल है, नाम नहीं समझ। ट्रामा सेंटर। ट्रामा सेंटर, ट्रामा सेंटर चक्रपान को। चक्रपान बुलाया, बाद में ट्रामा सेंटर गए थे। अच्छा, बाद में ट्रामा सेंटर गए आप। डॉक्टर को दिखाए तो बोले कि 15 की दवा खाओ, 15 की दवा खाने के बाद देखेंगे कितना चोट है, या 20 हज़ार खर्चा या तो 60 हज़ार आएगा। बोले 60 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, क्योंकि यहाँ की मांसपेशी फट गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवा दिए कुछ खाने के लिए, उससे रिलीफ नहीं मिला? नहीं, दवा से कुछ नहीं मिला। मैं, मेरा पैर बैलेंस नहीं लेता था और मेरा पैर और भागता था। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भाई का उस पैर को टूटने के बाद, मांसपेशी फटने के बाद, पैर बैलेंस नहीं ले रहा था, चलने में डगडगा जाता था। अंदर की भागता था, अंदर की तरफ भागता था। और यहाँ पे मैं पहली बार आया, हमारे माता जी लाए और हमको यहाँ पर पहली बार। आज इनकी मम्मी ने आज पहली बार इस सभा में लेके आई है। इनकी माँ ने आज क्या किया है, पहली बार सभा में लेके आई। और मुझे यहाँ पे चंगाई मिली, मेरे पैर में दर्द खत्म हो गया, और हमने पट्टा भी लाया था, इसको निकाल के इधर रख लिया और चलने फिरने में। ये पट्टा है जो पैर में लगाने के बाद तो थोड़ा बहुत चल पाते थे, क्योंकि पैर बीच से ऐसे ही मुड़ जाता था, वो बैलेंस ही नहीं ले पा रहा था। और आज चंगाई के बाद पैर में क्या हो गया आपके? अभी पैर में दर्द नहीं, कोई चल भी रहा दौड़ के। और आप थोड़ा सा हटिए, तो अभी आप उठ बैठ दीजिए, बैठिए, उठिए, एक मिनट आ जाइए, थोड़ा बैठिए, तो चौचक खड़ा होइए, फटाफट उठिए, बैठिए, दो तीन राउंड, ठीक है, ठीक है। अभी आप दौड़ करके देखिए, क्योंकि प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। परमेश्वर ने ऑपरेशन करने से बचा लिया। इनकी माँ को बुला। इनकी माँ कहाँ है? मम्मी, भाई की मम्मी है यहाँ पे, आ जाइए, आ जाइए। प्रभु ने आपके बेटे को छुआ है, एक गवाह बनाया है। मैंने बाइबल में पढ़ा, प्रेरितों के काम 1:8 कहता है, परमेश्वर कहता है कि जब मेरी आत्मा आएगी तब पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगी और मेरे सब गवाह हो जाएंगे। आपके बेटे को चंगा कर दिया प्रभु ने। प्रभु ने चंगा किया मेरे बेटे के। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप जाके लोगों से बताओगे, आज लोगों से सबसे बताओगे कि प्रभु ने बताएंगे, प्रभु मुझे चंगा किया, यीशु प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। आमीन। जय हो।